back. What the fuck are you doing? We're tired of you peeping through our keyholes, Blake. नमस्कार देवियों और सज्जनों, लास्ट गेम प्ले पूरा पूरा धूमधड़ाके से भरा था, लेकिन इस बार का नहीं होगा, बिकॉज स्टिल्थ मोड में मुझे खेलना है, लेवल्स बढ़ाने भी है, और थैंक यू सो मच यार जो आपने मोहब्बत और प्यार दिखाया है लास्ट गेम प्ले में, उसके लिए थैंक यू सो मच। आयरन ब्लैक जिसे मैं खोजते हुए आया हुआ था, काफी जगह ढूंढा तो मालूम चला उसका लोकेशन यहाँ पे है, तो उसी को पकड़ने और जानकारी लेने आए हुए। और दूसरी बात, एक और, मैंने सारी गन्स चेंज कर दी है अपनी, नई स्नाइपर गन मैंने ली है यहाँ पे विथ मोर पावर एंड ग्रेट स्कोप और रेंज, और यहाँ पे ये अपनी प्राइमरी वेपन भी मैंने चेंज कर दी है विद ग्रेट डैमेज एंड एवरीथिंग, और यहाँ पे थर्ड वेपन जो है मेरी पिस्टल, वो भी मैंने चेंज कर दी है, थोड़े अच्छे लेवल्स की हमने यूज़ की है अब क्योंकि गेम थोड़ा टफ हो रहा है धीरे धीरे, जाहिर सी बात है गियर भी अच्छा होना चाहिए। सो आराम से आगे बढ़ते हैं, बिकॉज मैं ये मिशन जितना हो सके स्टिल्थ मोड में ही करना चाहता हूँ। सिंक शॉट मेरे पास है तो स्केल्स रनिंग विद द गोस्ट नाउ, शिट, मे बी आई ऑट टू बी अ डैम वुल्फ। ऑलराइट, जितना हो सके अपने गियर्स का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि एक मिनट काम करते ना यार, जो हर बार करते हो भूल कैसे गए हो। थोड़ा माहौल तो देख ले पहले। ओके। वैसे आयरन ब्लैक की लोकेशन पता है, बट वहां तक जाने के लिए ना थोड़ा सा रास्ते के रुकावटों को दूर करना जरूरी है, बिकॉज जैसा मिशन बता रहा है आयरन ब्लैक उसे पकड़ना नहीं है, उसको पकड़ के किसी ऑफिस में लेके आना है, और अगर मैंने उसको पकड़ा तो पौला मडरा की तरह एक हाथ से उसको पकड़ो और एक हाथ से गोली चलाओ, फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मुझे सारे एनिमीज को मारना होगा ताकि जब मैं उसको मारूं तो कोई रास्ते में दिक्कत ना रहे। ऑलराइट, लेट्स गो देन। इस आर्मर वाले को मार देते हैं, बिकॉज इसकी बुलेट्स बहुत तगड़ी होती है, और ये बंदा दिक्कत कर देगा उसको नहीं मारा तो। यहाँ पे एनिमीज हर जगह पे ही है यार। That's cool. Whoa, bro. Too much snow. We got company. हीट अभी भी हल्की फुल्की दिख रही है, मतलब एनिमीज तो है, ये कहीं दूर से आ रही है यहाँ। ये रहा गेट, लेकिन यहाँ से नहीं। एक आ रहा है और एक यहां पे है, बेहतरीन। चलो अभी तक तो सब कुछ ठीक है, आई होप आगे एक मिनट कोई है। हाँ, आराम से। कौन है ये? कम ऑन, पिन हिम। अच्छा, स्नाइपर, बढ़िया। कोई पीछे भी है,
जरा सा कुछ एक दिख जाए ना हल्का सा भी तो मैं हेडशॉट ट्राई कर सकता हूँ। बहुत ही हल्का सा दिख रहा है इसका सिर, एक बढ़िया। चलो ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहा है, अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो। पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो संडे है बिल्कुल फंडे की तरह जाए, एक बेहतरीन वीडियो के साथ। ऑलराइट, मुझे लगता है कि जो ये क्रिस्टीना जिसके साथ मुलाकात मैंने की है, उसके साथ उसका जो मेन मिशन है यही समाप्त हो जाएगा, बिकॉज फाइनल मिशन उसका आयरन ब्लैक को ढूंढना ही था और उसको मारना था, जानकारी निकालना था। डोंट वरी, डरिए नहीं सर, एक मिनट। हाय, could really use your help finding this place. Well, there is one place you could try. Thanks, stranger. Okay, अब आगे बढ़ते हैं। इस बंदे को भी कम नहीं समझना, बिकॉज ये भी एक तरह का कातिल ही रहा है अपने जमाने का, आयरन ब्लैक। एक ये देख रहे हो, आयरन ब्लैक यहाँ बैठा हुआ है और उसके पास एक ये है कौन वैसे? इसको मार तो सकता हूँ मैं आराम से। बढ़िया, वो स्नाइपर शायद, हाँ कुछ है। ऑलराइट, शो योरसेल्फ। Our security breach, someone stealing a boat. Everyone on your toes. Badhiya. Don't worry. Heat abhi bhi hai, matlab abhi bhi uske paas guards hain. All right. कोई बात नहीं, आराम से आगे बढ़ते हैं। कुछ गार्ड्स आगे की तरफ आ रहे हैं। इन गार्ड्स को पता है मारना जरूरी है आयरन ब्लैक तक पहुंचने से पहले ना, इन गार्ड्स को मारना जरूरी है, बिकॉज मुझे आयरन ब्लैक को लेके आना है किसी ऑफिस में। आई डोंट नो कहाँ लेके आना है, बट किसी में तो लेके आना है। अब रास्ते में अगर वो मिलेंगे तो हर बार पाउडर पोला मोडरा की तरह नहीं होगा कि मैं दुश्मनों को मार के निकल जाऊँ। एक को मारते दूसरा तो अपने आप मर जाएगा। ये है कहाँ पे वैसे? वो आई थिंक कहीं इसकी लोकेशन क्या है इसका, देखिए 10 मीटर नीचे। अच्छा, इसके नीचे होगा, चल के मार के आए उसको या फिर आगे बढ़े। एक मिनट, ही इज इन द ऑफिस ऑन इंटरोगेट, मतलब उसे मारना नहीं है, इंटरोगेट करना है, मतलब कि जानकारी उसे निकालनी है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं आयरन ब्लैक के पास। थोड़ा सा है टिपिकल हो सकता है जब मैं आयरन ब्लैक को पकड़ूंगा उसके बाद यहीं पे। ओ एक मिनट, इसके पास एक बंदा भी है, वो आर ये रहा, ये भी खड़ा। मर गया। चल बेस्ट, your eye on me, you know what I need, and you know I won't ask twice. All right. Look, the drone control program is locked with a biometric reader. Where is it? On the other side of the base. You'd be a fool to try dragging me there. Let's go.
मुझे लगा ही था यार इसको, अब एक हाथ से गन लेके एक हाथ से आ। चलो ठीक है, वैसे मैंने एक मिनट, शायद रीइंफोर्समेंट आ रही है क्या? अरे यार ये बंदे आने लगे सारे। शिट मैन, ये गलत बात है, ये गलत बात है। अभी तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, देखते हैं। नहीं, चाहता नहीं होगी किसी की नजर पड़े। चलो 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 चलो। ओहो शिट, यप, आई नो। पहले इनको इधर ही बेहोश करते हैं। आप आराम करो सर, तो मैं उनको मार के आता हूँ। मैं रिस्क नहीं ले सकता यार। सब प्रेशर निकालते हैं। ये हुई ना मर्द वाली बात, बेहतरीन। वो वो हेलो, कोई और भी है क्या हमारे साथ यहाँ पे? चलो कहाँ लेटे भाई साहब? मरना नहीं, मरना नहीं सर, मरना नहीं। चलो लेट्स गो। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद किसी का बचना तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी ऐसा ही यार। चलो, अरे 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 क्या कर रहे हो बेचा? जो उसने बताया उसके हिसाब से कुछ AI सिस्टम जो है वो लॉक्ड है। इसके बायोमेट्रिक रीडर, बायोमेट्रिक रीडर मतलब क्या? हाथ का निशान या फिर रेटिना स्कैन, वही होता है ना? कोई है, एक बंदा है जो चीख रहा है बार बार, वो जमीन के नीचे बैठा हुआ है कहीं, नो उसे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आई होप। मतलब कि दुश्मन और भी है। इसकी हीट क्यों नहीं आई फिर? या फिर मैंने ध्यान नहीं दिया मैप पे शायद, बट ध्यान रखना होगा। Look, we can make a deal here. I got secrets. Lots of secrets. Oh, things I could tell you about Jay Skell, huh? Give me access to your drone control program. Maybe you'd like to get some dirt on Walker, huh? I want you to unlock the program. Okay, all right. But you just gotta think bigger, kid. Silverback! What the fuck are you doing? We're tired of you peeping through our keyholes, Blake. Ah! Ah! Ah!
Looks like you're out of friends. You gotta help me. God, help me, please. Yeah, I don't have to do shit. Oh. Bye. फिर नहीं मिलेंगे कभी नहीं. Go to the underground. Talk to Cromwell. चल चलते हैं इसके पास. The drone control program is unlocked. Yes, we've already started working. Will the extraction take a while? It's a very large program. Still, it's just a minute compared to the symphony we're working on at Project Dave's. Here comes the sermon. I am not ashamed of trying to elevate humanity. I'm not sure humanity wants to be elevated. Why on earth would you say that? Because I've seen people try. And somebody always throws a wrench into saving the world. So, are we done here? Middle East? Oh. What the hell, Cole? That kid had friends in high places. We here to make the world a better place. We here to get a promotion. Always thought you're a little unbridled. But you're just an asshole. Sir, the lieutenant was out of control. He was mentally unstable, a danger to us and to the entire... Don't give me that shit, Nomad. If Lieutenant Vaughn hadn't killed that civilian, the pair of you would be rotting in a hole in Leavenworth. Ah, you always knew he was fucking useless. Everybody complained about his shitty work, goddamn sense of entitlement. You can't kill someone just because he's bad at his job. We are here to complete a task, sir. Would you sacrifice our mission? Would you risk our lives just because that kid's daddy is a senator? You're out of line, Walker. What are you gonna do, sir? You gonna charge me? You know something that'd be worth it? This here's about what's right. What's right? Murdering an officer of the United States Army is right! What's right is getting an incompetent counterintelligence officer off the goddamn battlefield. Who the fuck? What's right is protecting our mission from a privileged brat who fucks our shit up worse than the enemy does. Colonel, you cannot be right. Standing up for something. Even though we got a sniveling hypocrite as a boss. A man with no balls, no vision. Walker, ease up. You listen to your friend, Colonel. You're ghosts. But you're not untouchable. I can't stand this shit anymore. What the fuck are we doing working for these assholes? They don't care how hard we work, they got no fucking idea about what it is we do. Listen, I stay because we do try to do what's right, okay? No, this chain of command. Goddamn sanctimonious bastards! You are a plague on this earth! You undo us right where you can. Not here. Are you quite finished? Yep. I think I am. Walker criticized those generals for sacrificing civilians, but now he's doing the same. I would never do such a thing. Project Deus is supposed to be the end of human history, right? The beginning of transhumanism. What you intend to do with that technology and what actually happens, that could be two different things. We control our own destiny, Nomad. I assure you, Project Deus has very sound values. Yeah, sure. Of course. If you doubt that we're up to your standards, Christina, you should join us. It all fits in here?
That's a DNA-based flash drive. You could practically fit the Library of Congress in there. Good luck. There are other ways we could help one another. Speak to me when you have the time. All right, ma'am. अभी जब मैं आयरन ब्लैक के साथ उसके लैब में जाके सिस्टम अनलॉक कर रहा था तो वहाँ पे अभी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, वहाँ पे एक इंसान आया था जिसका नाम था सिल्वर बैक। और सिल्वर बैक जाना जाता है कातिल समझ लो, एसेसिन समझ लो उसको, जो बिना किसी कुछ मतलब नहीं है, उसको कुछ नहीं जानना, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट दो, जाता है बंदों को मार देता है। और वो हमारे दुश्मन का एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट सिस्टम समझ लो, फ्लाई कैचर की तरह। तो अब हमारा टारगेट जो अगला टारगेट होगा वो यही है, यानी कि सिल्वर बैक। और ऐसा जैसा इंटेल हमें बता रहा, एक मिनट, जैसा इंटेल बता रहा है उसका जो अगला टारगेट है वो इसी पंपिंग स्टेशन में काम करता है, इट्स साइलेंट मोटर, और यही मैं आया हुआ हूँ और मुझे उसका जो पता है जानकारी वो यही मिलने वाला है। तो जरा आगे बढ़ने से पहले जरा माहौल वाहौल देख लूँ, जान लूँ, समझ लूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? ओके। ओके, एनिमीज भी हैं काफी सारे और धमाके करने वाले बंदे भी हैं यहाँ पे वैसे। ओह माय गॉड, हिट बहुत ज्यादा है यहाँ पे तो। ठीक है, इट्स कूल, इट्स ऑल राइट। सिविलियन, ओके, बाबा रे ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। एनीवे, मुझे यहाँ पे आगे इन्वेस्टिगेट करना है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। अब आने की तरीका कैसा होना चाहिए, रास्ता से सीधा सा है ना, या फिर जंप मारना पड़ेगा, देखते हैं इसकी ऊंचाई ऊंचाई कितनी है। बढ़िया, तो मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा, पहले इन दोनों को निपटाऊँगा, फिर उसके बाद अगर ये रास्ते में तो इनको मारूंगा, इसको मार के इसके अंदर जाएंगे और इस स्नाइपर को मारना पड़ेगा ताकि ये दिक्कत ना कर दे। अगर मैं स्नाइपर को मारता हूँ तो ये बंदा इसकी बॉडी देख सकता है, बट आई थिंक ये मूव नहीं करेगा, आरपीजी लॉन्चर ले खड़ा है ये। ऑलराइट, लेट्स डू इट। को भी मार दे, लगे नहीं यार, 200 मीटर ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा। बर्फ का गुबार उड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं यार, आराम आराम से। एक मिनट, अरे लास्ट मिशन में मैंने सप्रेसर निकाल दिया था ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि बंदा अपनी लोकेशन से मूव नहीं कर रहा, वरना इसकी बॉडी देख लेगा। चलो, मामला अभी भी शांति है, मैं चाहता हूं कि शांत ही रहे। यार यहां पे कुछ आइटम्स भी है, मैं छोड़ना नहीं चाहता यार। अरे कहाँ मार रहा है उसको, भगो 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 भगो। आराम से, चलो अच्छी बात है, मेरे लोकेशन को पता नहीं है। अभी ये स्किल पावर वापस अनलॉक करनी होगी थोड़ी सी किल विल करके, हेडशॉट लेके, ताकि दोबारा अगर कुछ दिक्कत। एक मिनट, बंदा आ गया, आराम से, एक बार और, एक शॉट और चाहिए आपको सर। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। हेलो हेलो डर्टी फेलो। अरे यारा, आराम से, आराम से, गुड नाइट।
ये बड़ी गंदी सी आवाज़ आती नहीं, जो लगता है गले से बोल, नहीं बात करूँगा उसके बारे में। कूल। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि यहाँ कुछ कपड़े उपड़े के बारे में जानकारी मिल सकती है, तो क्यों ना लगे हाथ हो। ले ही लेते हैं, तो इतनी दूर आ ही गए तो थोड़ा सा कुछ लेके जाए ना, खाली हाथ क्यों जाना, क्यों, देखते क्या मिलता है इसमें। वो 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 टैटू, मैं सोच रहा हूँ एक मिशन अलग से करता हूँ यार, मैं अपलोड नहीं करूंगा उसको, मैं चीजें अनलॉक करना चाहता हूँ, बहुत सारे कपड़े और टैटू और बहुत सारी चीजें, बट मिशन के चक्कर में कुछ भी अनलॉक नहीं हो पा रहा है, तो उन सब चीजों को अनलॉक करना बहुत ही जरूरी है। बुझा रहे ना आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। शायद यहाँ पे कोई बंदा इसे मारने वाला था शायद वो, बट ये मुझे अभी बात करेगा या नहीं करेगा। Greeting, stranger. Hey, wait. Don't be afraid. I just want to talk. What do you want? I'm looking for Silverback. You don't find Silverback. He finds you. He comes around a lot taking people away who aren't pulling their weight. A few days later, we'll find photos of their... Hi. Sorry. No need to be afraid. Hey, wait. Don't be afraid. I just want to talk. What do you want? I'm looking for Silverback. You don't find Silverback. He finds you. He comes around a lot taking people away who aren't pulling their weight. A few days later, we'll find photos of their corpses. Thanks. See you around. Oh, okay. Let's check the intel now. फोटोज ऑफ सिल्वर बैक, अच्छा इसका बेस ये रहा, ओके एनीथिंग एल्स, फोटोज ऑफ व्हाट, अरे यार देयर इज अ फोटो ऑफ फ्रोजन लेक विद अ सिवर इंटरेस्ट टू सिल्वर बैक्स बेस, बेसिस ऑन अ स्नोवी माउंटेन एंड लुक्स लाइक एन ओल्ड अंडरग्राउंड कोल्ड वॉर एरिया, देयर इज फेंस ऑफ लाइन विद द डेड मल्टी बॉडीज ऑफ किडनैप स्केल एम्प्लॉयज, ओके तो इसकी पहचान है कि सड़ी गली लाशें सामने मिलेंगी और उसी के सामने का रास्ता है जो लेके जाएगा मुझे इसके बेस तक। चलते हैं यार, चलते हैं, कुछ ज़्यादा ही क्रूर आदमी लग रहा है, मुझे लग रहा है इसको मारने के बाद मिलेगा मुझे क्या। वो सिल्वर बैक के पास एक कुछ लॉन्चर टाइप का दिख रहा है मुझे, ये मिलेगा शायद, ये गन है क्या है, ये कुछ तो है, KSG-12। Let's go. I'm just really busy, okay? Now. Don't worry, काम हो चुका है सर, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा लूटपाट तो कर ले। चलते हैं उसके बेस पे, यहाँ पे अब ज्यादा रुकना मतलब फालतू में टाइम खर्च करना है, लेट्स गो। सो माय डियर किंग्समैन, ये है जो बेस सामने आप देख पा रहे हो, ये है क्या नाम था इसका, स्काई स्टार बैक, सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ, सॉरी सिल्वर बैक। एक काम करते हैं ना, हम ही बैठ के थोड़ा लोकेशन देख लेते हैं, मतलब क्योंकि मुझे लग रहा है माहौल थोड़ा गर्मा गर्मी, ऑब्वियसली बात है खतरनाक एनिमी है तो होगा ही। जो मेन विलेन है ना इसका, अभी आपने कट सीन देखा होगा, उसमें आपको दिखा होगा कर्नल वॉकर, ओ वो वुल्फ है ये, अरे बाबा रे, यानी कि यह मुकाबला थोड़ा खतरनाक होने वाला है, वुल्फ इस गेम के सबसे खतरनाक एनिमीज होते हैं, ठीक है। तो हाँ जी, तो जो अपने लेफ्टिनेंट कर्नल क्या नाम था, वॉकर, अपने वॉकर को देखा ना अभी, वो वॉकर ही है मेन एनिमी हमारा, लेकिन स्टोरी देखा थोड़ा थोड़ा फ्लैशबैक में भी जा रही है कि वो कैसे, वो बंदा कैसे बदल गया ना,
तो हम क्या कर रहे हैं? कोई है यहाँ पे, बंद है। अगर आज़ाद करा लें तो मेरी हेल्प कर सकता है इसमें जो भी बंदा है, बट अभी नहीं यार, थोड़ा गेम गड़बड़ कर देते हैं लोग, स्टेल्थ मोड में नहीं खेलते हैं, निकलते ही ताबड़तोड़। ओ ड्रोनस भी है यहाँ पे, इतनी बड़ी मोमबत्ती किसने लगा दी यहाँ पे? खैर हाँ जी, तो लेफ्टिनेंट कर्नल वॉकर ही है इस गेम का मेन विलन, लेकिन उन भाई साहब को पकड़ने से पहले ना कुछ उनके खास खास लोग हैं, उनको मारना पड़ता है, जैसे मैं आपका खासम खास हूँ कुछ ऐसे ही। सो अरे यार एनिमीज बढ़ते ही जा रहे, खत्म हो गए कि नहीं कभी? लेट्स डू दिस बेबी। हेलो 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 हेलो, ओके लेट्स गो। यहाँ माहौल थोड़ा सा गर्म हो सकता है क्योंकि यहाँ पे है यार, इसको ऐसे ना मार दे सिंग शॉट से, क्योंकि यहाँ इसके पास एक बंदा खड़ा है, इसके पास इंफॉर्मेशन भी है। तो एक काम करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे जितने सारे एनिमीज हैं मोस्टली वो वुल्फ हैं और ये खतरनाक वाले, तो माहौल थोड़ा गर्म हो सकता है इसलिए। अब देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन के पास है हमारे लिए। पहले सर कोपची में आ जाओ। अब ठीक है। I'm gonna give you one chance to tell me where Silverback is. Oh yeah? What do you think I'll do? बोल क्यों नहीं रहा? You don't understand. It's totally crazy. Have you seen the photos? Where is he? Because they call Good Hope Mountain. We figured Todd is a good place there. चलो। All right. उसकी नई location मिल तो चुकी है, लेकिन यहाँ से क्या ऐसे चले जाएं? खाली हाथ? कुछ items दिख रहे हैं मुझे यारा। तो थोड़ा बहुत धूम मचा के चलते हैं। कुछ स्किल पॉइंट और वेपन्स क्रेट हैं तो लेके आराम से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रखा है एक वेपन क्रेट, वो है और एक स्किल पॉइंट भी है। पहले वेपन वाले लेते हैं क्योंकि आज जरूरी है। ओके कूल, MP7। ये हैक कैसे होगा? चलो बढ़िया। जिसको बुलाना बुला लो, मैं तो चला गड्डी लेके। रस्ते में एक मोड़ आया। लास्ट लोकेशन पे मिली जानकारी के अनुसार जो ये सिल्वर बैक है उसको ये ओ माय उसको यहाँ पे देखा गया है आखिरी बार, मतलब उसको अपने सॉरी अपने जो उसके किडनैप क्या बोलते हैं किडनैप करते हैं जिसको, तो विक्टिम्स हाँ उनको उठा के ये यहाँ लेके आता है अपने इस लोकेशन जहाँ मैं जा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि हमें उससे उस मुलाकात यहीं पर होगी।
बिकॉज उसका बेस सही होगा, क्योंकि अगर आप अपने किडनैप किए बंदों को यहाँ लेके आ रहे हो तो आप इतने सारे ड्रोन क्यों रखोगे यहाँ पे? मामला थोड़ा सा गड़बड़ेशन दिख रहा है मुझे तो। नहीं 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 नहीं, बाइक से नहीं, बाइक से नहीं। माहौल चेक कर ले एक बार, बट उससे पहले ड्रोन से बचने के लिए थोड़ी दवाई वाई मार ले अपने ऊपर, वरना ड्रोन्स पकड़ लेंगे। चल यार, यहाँ पे कुछ खास दिख नहीं रहा कि मतलब एक ये दिख रहा है मुझे, इसमें जंप करने के बाद आगे बढ़े क्या, मुझे लग रहा है ये रास्ता होना चाहिए, पता नहीं क्यों। उतर के देखते ना, ओ भाई यहाँ तो कूदने का कोई मतलब ही नहीं, अगर मैं जंप मारता हूँ गिरूंगा यहाँ पे और बैठा है। यानी जो भी जानकारी मिलेगी मुझे, अच्छा यहाँ पे एक बंदा है, नहीं यार बंदा नहीं है बट कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी किससे? ये तो फसा दिया इस पानी है तो कहीं आसपास वो भी होगा, समझ रहे हो आप जो फोटो में दिखा था। चलते हैं इस एरिया को इन्वेस्टिगेट करते हैं। जरूरी था यार, वरना दिक्कत हो जाती। कौन बुला रहा है इन्फोर्समेंट, कौन बुला रहा है? आइए पार्ट्स। ऑलराइट लेट्स गो। एक मिनट, तो पूरा एरिया इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोल रहा है, या कोई मिल जाए अच्छा रैंक वाला बंदा वो बता देगा कि कहाँ पे है वो सिल्वर बैक। एक मिनट, आगे रास्ता आगे देखे बोल रहा है, यहाँ नहीं। Who the hell is that? ठीक है यार, जंप करने का मन कर रहा है बट फालते में मारा जाऊंगा, कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। अब जो भी इंफॉर्मेशन है वो यही मिलने वाली है, शायद यही है जो पॉइंट दिखा रहा है ना आपको छोटा सा, ये वाला मुझे लगता है यहीं पे इसी में इंफॉर्मेशन छुपी है जो भी है। थोड़ा छुप के थोड़ी स्नैपिंग करते हैं। बुलेट ड्रॉप ले लेंगे लेकिन थोड़ा करीब जाते हैं। बस 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 बस। जितना हाई लेवल आप एनिमीज मारो ना
उतनी बढ़िया आपको वेपन्स और गैजेट्स भी मिलते हैं, ये बात तो है। स्नाइपर ये सब अनलॉक होगी, लेकिन यार उसके लिए काफी लेवल अच्छा खासा मांग रहा है मुझसे, डिमांड में है। एक और बचा है यार, और कोई भी है? इंफॉर्मेशन लेते हैं, रुकना क्यों। कोई तो नहीं आ रहा ऐसे बिना बुलाए यार। यही था क्या इंटरेस्ट जिसके बारे में बात की जा रही थी, वो कि अपनी डेड बॉडीज को यहाँ पे आसपास फोटो, एक मिनट फोटो चेक करें क्या। नहीं यार ये तो अलग है, फोटो फ्रोजन लेक विद अ सीवर एंट्रेंस, नहीं ये अलग है, ये नहीं कोई और है। इसका मतलब देखते हैं आगे बढ़ते हैं, शायद कोई जानकारी यहाँ मिल जाए। वैसे याद है जब आपको हम फ्लाई कैचर को मारने गए थे तो बिल्कुल ऐसा एक बंकर जैसा था बना हुआ था। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे कोई बंदा ऐसा मिल जाए ना जिसको पकड़ के हम थोड़ी बहुत अगर इन्फॉर्मेशन। निकाल सके तो काम बन जाएगा। यहाँ थोड़ी बहुत हीट दिख तो रही है। यार बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमीज है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। और ऊपर है लेकिन मैं खुद को हील करके फिर आगे बढ़ेंगे। नथिंग, बहुत ही आराम से और कदम फूंक के आगे बढ़ना होगा बिकॉज यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मैंने ये लाइट्स वगैरह ऑफ कर दिए ना, इसलिए थोड़ा सा अंधकार हो गया हर जगह, बट अच्छी बात यह है कि मेरे पास नाइट विजन है। तो कोई आ रहा है, कोई ऐसा नहीं से बस कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके तो फिर कुछ बात बने ना। ऑलराइट,
नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? यही है भाई साहब सिल्वर ब्लैक, सॉरी सिल्वर बैक। टेक इंटेल, मैंने जान से मारा तो नहीं है इसको अभी, लेकिन टेक इंटेल, यप टेक इंटेल। मिशन कंप्लीटेड, सिल्वर बैक प्लान। कौन सा प्लान मैं रखा था इसने? खैर एक मिनट, थोड़ा कुछ आइटम्स वगैरह वो ले लूँ पहले, फिर चेक करते हैं। ओह माय, हेलो बेबी, ये हुई नंबर दो वाली बात। आ जाओ, कुछ खतरनाक सी गन मिली है, सिल्वर बैक्स के SG-12। चेक करते हैं इसको, चेक करते हैं कैसी है ये। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, नेक्स्ट वाले पार्ट में, अभी नहीं। सो गाइज, ये है वो गन जो मुझे मिली है सिल्वर बैक से। एक छोटी सी डीमेरिट है इसकी यार, बाकी से तो ठीक है, बट इस गन में साइलेंसर नहीं लगा है, या फिर ऑप्शन ही नहीं है शायद, या तो मैं बाय करके देखूंगा, मुझे ऑप्शन तो नहीं दिखा, पता नहीं। लेकिन गन का जो डैमेज है वो मेरी पिछली वाली गन से जस्ट 3 गुना है। सोचो जरा, 3 गुना ज्यादा डैमेज है इसका। वाओ, गन तो काफी बेहतरीन है, नो इट्स लाइक अ शॉर्ट गन और समथिंग। सो ये था हमारा आज का मिशन यार, बताना प्लीज कैसा लगा आपको। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा, और मुलाकात होगी अगली वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ। और नहीं यार, और बस बाकी बात तो आप बताओगे ना कमेंट सेक्शन में। लव यू सो मच यारा। एंड एक काम और करना, सिल्वर है जो है कोड आज का वो करना मत भूलना, बिकॉज इट विल बी अ सिल्वर डे, जस्ट लाइक हमने मारा सिल्वर बैक है, तो कोड कुछ और रखना बनता नहीं है। ठीक है, वीडियो अभी खत्म नहीं कर सकता, जरा मैं मेडिटेशन पे आ जाऊँ तब, क्योंकि गेम वर्क करना है ना यहाँ पे हमें। ओके चलो फिर, अपना ख्याल रखना, खाओ पियो ऐश करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।